और अच्छा मुझे सर इस हवाले से एक इमरान रियाज ने कल फोन किया, उसने कहा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुझे अगर बुलाएगी सिक्योरिटी देगी तो मैं हाजिर हूँ, मैं सारे फैक्ट्स जनाब को पेश करूंगा। बहरहाल मैंने उनका पैगाम सिर्फ इस हद तक, उसका खुद फोन आया था तो मैंने वो जनाब को पहुंचा दिया। अब सर मैं एक गुजारिश करूँ इस हवाले से, रुक जाइए सर, अब आप यहाँ रुक जाइए सर, या आपने ये प्लेटफॉर्म आप फिर पोलिटिकली इस्तेमाल करना शुरू, ये सुन लीजिए, इस केस से पहले एक और केस था जो कि अफसार आलम साहब थे, वो मीडिया पे बात कर रहे थे, हमने कहा हमारे सामने आके बात करें, क्यों ठीक है, उन्होंने वो आए सामने बात की, बिल्कुल क्यों, वो कोई असर रसूख वाले शख्स मेरे ख्याल में नहीं है, नहीं सर हैं बिल्कुल है। नहीं नहीं मेरे ख्याल में नहीं है, वो आए उन्होंने हिम्मत पकड़ी और सामने बात की। ये बात आपके जरिए कह रहे हैं अगर मुझे बुलाएगा हम क्या रेड कार्पेट पे छाएंगे किसी के लिए, ऐसे नहीं होगा ना हमारा काम। जरा सर देखिए, आप यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिफोर एनीथिंग एल्स, तो हम ज्यादा से ज्यादा हैबियस कॉर्पस में प्रोड्यूस द बॉडी पेश कर सकते हैं ना, यही होती है। अगर किसी को कोई एलिगेशन अगेंस्ट समवन, जाए एफ आई आर काटें, जाए सूट फॉर डैमेजेस फाइल करें, अगर मुझे अदालत बुलाएगी कमाल है सर। आप उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो उनको ना बुलाना चाहते हैं ना उनका नाम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप बराए करम जो कल कर रहे थे हमने आपको रिक्वेस्ट की थी मत करें, और वो नहीं कर रहे, ये आपने नहीं, नहीं ये प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने चुके कहा है सर, प्रोटेक्शन तो हमारे पास क्या कोई फौज खड़ी है जो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ऑर्डर तो फरमा सकते हैं ना सर, आपका ऑर्डर इज द फाइनल अथॉरिटी, जो वायलेट करेगा he will suffer, he will face the consequences। ऐसे कैसे बाहर जाते हैं, उनको अभी भी प्रोटेक्शन मिली हुई है क्या, जो उसका जाहिर है उतनी प्रोटेक्शन नहीं होगी, वो यहाँ के सच बोलेगा, फैक्ट्स बताएगा, साढ़े चार महीने जिस हालत में रहा, he was not able to speak even for a few months, फिर बाहर जाएगा, यहाँ तो आके स्टेटमेंट दे देगा शायद वो, बहरहाल मैं उस पर मजीद कमेंट ना ही करूँ तो बेहतर है, मैं इस पर आगे चलता हूँ। शाहीन साहब यू आर अब नाउ आई विल यूज अनदर वर्ड, कैन यू प्लीड अ केस ऑफ अ पर्सन नॉट बिफोर अस, अगर बंदा इस काबिल नहीं है, केस हु आर यू टू प्लीड दिस केस, अगर कोई शख्स इस काबिल नहीं है, लेकिन जो काबिल है जिसका आपने जिक्र किया उसके बारे में तो आप बात नहीं करना चाह रहे, मैंने तो जनाब को जजमेंट लिखाई है, खुद अर्ज की है ना, मगर आप जिम्मेदारी भी खड़ी करें ना, फिर जिम्मेदारी तो जनाब ने तायुन फरमाना है, नहीं हमारा काम यार हो रही है, देखिए अब आप फिर इसको वही बना रहे हैं सियासी अखाड़ा, हम ये कहते हैं माय लॉर्ड कमीशन जब बनेगा, हर तक की जो पिटीशन थी ना जो आपने फाइल की उसमें ऑफिस ऑब्जेक्शन के लिए वो लगी थी, वो दैट हैज बीन रिमूव्ड, जी जी वो तो फर्दर जो भी ऑर्डर्स होंगे वो होंगे, वेट फॉर सम टाइम, जी सर अगर आप ये इंडिविजुअल केसेस करेंगे तो फिर आप ऑफिस ऑब्जेक्शन सस्टेन करना पड़ेंगे, हम आपकी पिटीशन एंटरटेन कर रहे हैं कि आपका जेन्युइन कंसर्न है मिसिंग पर्सन की, पब्लिक इंपॉर्टेंस और पब्लिक एट लार्ज, अगर आपके ज़हन में दो चार ही लोग नहीं सर, ठीक है नहीं नहीं दो चार नहीं, सभी जो जिस जिसके साथ कोई ज्यादती हुई है या मिसिंग में है या जिनके साथ कोई मिसिंग में रहे हैं, तो जनाब इन रिलेशन टू दी सीएमए वो आपकी ऑफिस ऑब्जेक्शन, फिर अब आप पे तशरीफ रखें हम दूसरों को सुन लेते हैं ना, नहीं सर मैं तो अपनी बात बस, फर्दर एक्शन इज टू बी टेकन, वो देखिए ना अभी कंसोलिडेटेड ऑर्डर होगा ना अभी जब सर, मैं तो जनाब के सामने अर्ज करूंगा, जनाब ने फैसला फरमाना है ना, मेरा कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जनाब उसको नहीं।